मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओबीसी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें बिना नाम लिए अंगूठा छापता कह दिया। दरअसल ओबीसी ने अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें इतिहास की तारीखें ही याद नहीं है और भारत को तोड़ने वाला जिन्ना ही है, इसलिए अखिलेश जी कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया करिए और भारत का बंटवारा भी जिन्ना के कारण ही हुआ है। ओबीसी ने मंच से कासगंज जनपद की पुलिस को शैतान की औलाद कहकर संबोधित किया। ओबीसी ने थाने में हुई मुस्लिम युवक मौत मामले में योगी पुलिस पर जमकर भड़ास निकाली। ओबीसी ने मुरादाबाद के 1980 में हुए दंगे का भी मंच से जिक्र किया और सामने की तरफ खड़े लोगों से कहा कि जब तक अपना नेता नहीं चुनोगे इसी तरह मारे जाते रहोगे। ओबीसी लोगों की भीड़ देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए और मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन पर तंज कसते हुए कहा कि उनका एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें रामगोपाल यादव बैठे हुए हैं और मुरादाबाद सांसद खड़े हुए हैं, सपा में उनकी औकात ही यही समझी जाती है। उन्होंने जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया, उन्होंने वाराणसी से कहा था कि नहीं अब हम इस मुल्क का बंटवारा चाहेंगे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दौड़ दौड़ कर महात्मा गांधी के पास जाकर ये कहा कि भारत के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। मौलाना की दूरंदेश निगाहें वो देख चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा तो मुल्क के हालात किस तरह से बदलेंगे, मगर उस वक्त के तमाम कायदीन ने मौलाना आजाद की दूरंदेशी को नहीं समझा। मुल्क के दो टुकड़े हो गए। मौलाना ने उस किताब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन के खिलाफ में तकरीर की थी, मगर आज हमको ये उनसे पूछा जाता है भारत के मुसलमानों से कि पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से बना। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते, भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर झूठ है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर दो टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदी है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना, अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ हमारे कब्रस्तान, आज भी इस बात के गवाह है कि सीना तान कर भारत नहीं है। और जब सुबह कयामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं कब्रों से उठकर इंशाअल्लाह ताला घर के मैदान में जाएंगे, मगर हम पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत और झूठ है, ये सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं, कोई जनाब कह गए कि अगर फुला को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते, आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया। हलफ और सियासी तौर पर जिनमें अभी मेच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीख का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे अपनी जबान से तोते की तरह उसको रट कर कह देती है। जिसमें जिक्र आ जाता है उस शख्स का जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के दो टुकड़े किए, मैं उस तारीख का नहीं दोहराना चाहता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। क्योंकि जिस शख्स ने कहा था, बल्कि नाम ले लेता हूँ, जनाब अखिलेश यादव ने जिना का जिक्र किया। मैं मुरादाबाद की मुबारक सरजमीन से मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूँगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे, तो अखिलेश यादव साहब
असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकनगंज से बैरिस्ट्री करा हुआ है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीफ पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में, अगर मैं वो तमाम जुमलों को मुरादाबाद में दोहरा दूंगा जो उस किताब में मौलाना ने लिखे, तो यकीन जानिए बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस किताब में लिखा कि कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने उनको मायूस कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के इस दो टुकड़े के खिलाफ थे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि वह कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के पास गए और हर कांग्रेस के उस वक्त के बड़े लीडर ने मौलाना को मायूस कर दिया, और कैसे उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया, उन्होंने मौलाना से कहा था कि नहीं, अब हम इस मुल्क का बंटवारा चाहेंगे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दौड़ दौड़ कर महात्मा गांधी के पास जाकर ये कैतान की पहली औलाद, इबलीस की पहली औलाद है, जो पुलिस वालों ने मारा, तुम शैतान की औलाद हो, तुम्हारे लुच्पे में फर्क है, तुम्हारे लुच्पे में फर्क है। मैं कह रहा हूं, उस बाप को जो अपने बेटे को खो दिया, जिसको तुमने पुलिस स्टेशन में मर्डर किया, तुम उसके अंगूठे के साइन लेकर उस पे लिख देते हो कि ये बेटे के बाप ने ये लिखा है कि वो पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है और मेरे बेटे ने खुदकशी करके अपनी जान ले। अरे पुलिस वालों, जिन्होंने हरकत की कल अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा ऐसा मर जाएगा या मार दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल पर क्या पहुंचेगा? ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और आवाज कैसे उठती है, नहीं नहीं हमने बोल दिया, हम भी कंडेम करते हैं उसको, 2 लाख भिजा देंगे, 3 लाख भिजा देंगे। अरे सवाल ये पैदा होता है कि जब गोरखपुर के होटल में गुप्ता साहब को पुलिस ने मारा, उनकी मौत भी हम उसका कंडेम, कि उसके खिलाफ अल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेन दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था, पुलिस लेकर जाती है और बाप कह रहा है कि मैंने जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया, मैंने खुद, एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया कि कर लो आप एहतियात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन, तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ, तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा, तो बोले उसने खुदकशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की, तो बैतुल खला में, मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुक था उसका तागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बंद कर खुदकशी ले ली। वाह काशगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो तागा निकालकर अपने गले से बांध कर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे हैं, उसके पैर जमीन को लग रहे हैं, कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं, कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा पुलिस स्टेशन में, कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग, तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो, तुमने, तुम्हारे पास केस आया,
अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम तो मर्डर करना जानते हो। बच्चे को ले जाकर मार दिए और तरफ तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाप, आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठ कर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं कासगंज में हुआ मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है, मोमिन वो है अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीड़ा लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करता है।